शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 18/1/23 और आज हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा का साकार माध्यम और हम ब्राह्मणों के प्यारे साकार बाबा, उनका पुण्य स्मृति दिवस है। तो हम आज सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे बाप दादा की 18/1/23 की ज्ञान मुरली। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, मीठे बच्चे ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने के लिए देह अभिमान की खामी निकालते जाओ। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? उत्तर है, देह सहित जो भी कुछ कखपन है, यानी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो सब कुछ बाप को अर्पण करके, बाबा को आप कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहां, यानी भविष्य में सब कुछ लेंगे, तो ये है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन रहे हैं। अच्छा, अब हम सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे साकार निराकार बाप दादा की, जो हम बच्चों को प्यार से याद प्यार दी है। तो याद प्यार भरे बोल। ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व के कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, संकल्प की सिद्धि स्वरूप, स्वयं की प्रकृति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा का कि साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, साइलेंस की शक्ति को जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। ये साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे, वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन, अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ।
यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है और यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन है आज का, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।